नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल सौरभ सर मैथमेटिक्स में। दोस्तों, ज्योग्राफी से संबंधित आपके लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। पृथ्वी की संरचना, जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी होती है, पृथ्वी की बाह्य संरचना कैसी होती है और किन किन परतों से मिलकर पृथ्वी की संरचना को आधार दिया गया है। विभिन्न वैज्ञानिकों के क्या क्या मत हैं पृथ्वी की संरचना को लेकर, यह इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में आए बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे कि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। स्टार्ट करते हैं दोस्तों पृथ्वी की संरचना से। पृथ्वी की संरचना कैसी है और किन किन तत्वों से मिलकर बनी है, वह हम आपको डिस्कस करने वाले हैं। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम बात करेंगे। तो फर्स्ट नंबर ये आता है कि पृथ्वी की गोलाकार, जो पृथ्वी को बताया था वह सर्वप्रथम किसने बताया था। तो पृथ्वी गोलाकार है, यह किसने बताया, तो यह बताया था अरस्तु ने। सर्वप्रथम अरस्तु ने गोलाकार है पृथ्वी, ये बताया था। और दूसरा आता है कॉपरनिक्स, जो थे हमारे वैज्ञानिक कॉपरनिक्स, उन्होंने क्या किया था 1543 ईस्वी में, यह बताया कि पृथ्वी नहीं अपितु सूर्य ही ब्रह्मांड के केंद्र में है। जैसे कि ये हमारा सूर्य है, ठीक, यह ब्रह्मांड का केंद्र है और बाकी ग्रह इधर उधर इसके ब्रह्मांड में स्थित हैं, जो कि सूर्य को केंद्र मानकर उसकी परिक्रमा करते हैं, ठीक है। तो यह गोलाकार है, यह अरस्तु ने बताया। और अरस्तु ने साथ ही यह भी कहा था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र पर स्थित है और बाकी के सारे ग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। लेकिन कॉपरनिक्स ने 1543 ईस्वी में यह बताया कि सूर्य या सन है, यह प्लैनेट्स हैं बाकी, कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है और बाकी ग्रह इसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं, ठीक है। और एक पॉइंट और आता है, पॉइंट नंबर 3, कि पूरी पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है। तो औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति सेमी क्यूब है। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं कि पूरी पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। दबाव बढ़ने के साथ घनत्व बढ़ता है, यह भी आप ध्यान रखें। पृथ्वी में प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर आप यदि 32 मीटर की आप यदि गहराई पर जाते हैं तो आपको एक डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि, इंक्रीज होता है, ठीक है, यानी वृद्धि होती है। तो क्या होता है, यदि आप 32 मीटर नीचे जाते हैं तो आपको 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि मिलती है। अब हम आते हैं पृथ्वी की परतें, लेयर ऑफ द अर्थ। आपका है टॉपिक पृथ्वी की परतें। तो परतें कितनी है पृथ्वी में, कैसे हम याद कर सकते हैं, वह मैं आपको सब बताने वाला हूँ। तो रासायनिक संगठन के आधार पर हम 3 परतों में पृथ्वी को बांटते हैं, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर और थर्ड लेयर। यह 3 परतें हैं। पहली परत को सियाल कहते हैं और दूसरी जो परत होती है उसे सीमा कहते हैं, ध्यान रखें। तीसरी जो परत है उसे निफे कहते हैं। इन परतों को
इनके ही आधार पर बनाया गया है जो तत्व इनमें मिलते हैं। यह सबसे ऊपरी परत है, सबसे ऊपर है तो सबसे ऊपरी परत है। इसमें सिलिका, सियाल से सिलिका, और एलुमिना, इसको ऐसा ही कहते हैं सिलिका को, और एलुमिना AL, ठीक है। यह इन दोनों का मिश्रण है, सिलिका और एलुमिना का मिश्रण है, जिसमें ग्रेफाइट की अधिकता होती है और इस परत की चट्टानें अम्लीय होती हैं। कैसी होती हैं? अम्लीय चट्टानें कैसी होती हैं? अम्लीय होती हैं। अगली हमारी परत आती है सीमा। तो सीमा से आपको याद होगा यह पृथ्वी की दूसरी परत होती है। पृथ्वी कुल तीन परतों से मिलकर बनी होती है, सियाल, दूसरी सीमा, तीसरी निफे, ठीक है। तो अब यह दूसरी परत आती है तो सीमा, सीमा से एस आई यानी सिलिका, ठीक है, सिलिकॉन कहते हैं। और दूसरी है मा, तो सीमा से एम जी, मैग्नीशियम। यदि आपको नहीं पता है तो यह सिलिकॉन हो गया और ये मैग्नीशियम, ठीक, याद रखेंगे, ये मैग्नीशियम हो गया और ये सिलिकॉन हो गया। अब यह जो परत होती है हमारी, यह परत क्षारीय होती है, ठीक है। अगली परत आती जिसमें बेसाल्ट की अधिकता होती है। इसमें किसकी अधिकता होती है? ग्रेफाइट की अधिकता होती है और इसमें बेसाल्ट की अधिकता होती है, ठीक है। अगली परत आती है निफे। निफे से क्या होता है? NI यानी निकिल, और FE यानी फेरस। ये निकिल हो गया और ये फेरस हो गया, ठीक है। तो इसमें इन दोनों के मिश्रण से, इसमें इन दोनों के मिश्रण से, और इसमें इन दोनों के मिश्रण से, सियाल, सीमा, निफे, तीनों से मिलकर हमारी पृथ्वी की परतें, ये तीन परत हैं, इनसे मिलकर हमारी पृथ्वी बनी है, ठीक है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट के आधार पर पृथ्वी को तीन स्तरों में फिर से बांटा गया है। तो पहला स्तर है मॉडर्न कॉन्सेप्ट के आधार पर भूपटल। भूपटल, इसको इंग्लिश में क्रस्ट कहते हैं, CRUST, ठीक है। दूसरा आपका आता है भूपटल के बाद मेंटल, इसको इंग्लिश में मेंटली कहते हैं, MANTLE। इसके बाद तीसरा आता है आपका क्रोड, क्रोड इसको इंग्लिश में कोर कहते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं भूपटल पर, यह सबसे बाहरी भाग होता है, बाहरी भाग होता है, जिसकी औसत मोटाई महासागरों के नीचे 5 किलोमीटर तथा महाद्वीपों के नीचे 30 किलोमीटर होती है। महासागर है, नीचे 5 किलोमीटर होता है औसत मोटाई, और महाद्वीप हैं, उनके नीचे इसकी मोटाई 30 किलोमीटर होती है, सॉरी किलोमीटर है, ये किलोग्राम नहीं है, ठीक है। तो 30 किलोमीटर होती है, और महाद्वीपीय भूपटल नीस एवं ग्रेफाइट का बना होता है। ये महाद्वीप हैं, इनका भूपटल जो होता है नीस और ग्रेफाइट का बना होता है। महासागरीय भूपटल बेसाल्ट चट्टानों का बना होता है, ये बेसाल्ट के होते हैं और ये नीस और ग्रेफाइट दोनों के बने हुए होते हैं, ठीक है। भूकंपीय लहरों की गति के आधार पर क्रस्ट को दो उपभागों में बांटा गया है। क्रस्ट जो हमारा है उसको दो उपभागों में बांटा गया है, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। ऊपरी क्रस्ट, निचली क्रस्ट के मध्य कोनॉर्ड असंबद्धता पाई जाती है।
ठीक है, क्या दोनों के मध्य में ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच में कोनॉर्ड असंबद्धता पाई जाती है? क्रस्ट तथा मेंटल का संपर्क मंडल मोहोरोविक कहलाता है। इन दोनों का जो मीन है उसको हम क्या कहते हैं, ये दोनों का जो संबंध है उसे मोहोरोविक, इसको ध्यान रखें। ये एक नंबर में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इन दोनों का जो संपर्क मंडल है उसे मोहोरोविक कहते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी मेंटल। अब मेंटल में क्या होता है, यह क्रोड के बीच का संस्तर मेंटल कहलाता है। भूपृष्ठ यानी भूपटल और क्रोड के बीच का स्तर कहलाता है। इसकी गहराई देखेंगे, गहराई कितनी होती है, 200 से 2900 किलोमीटर के बीच। ठीक है, मेंटल को दो भागों में बांटा गया है, जैसे इसको दो भागों में बांटा गया ऊपरी क्रस्ट निचली क्रस्ट, इसी तरह मेंटल को दो भागों में बांटा गया, निचला मेंटल और ऊपरी मेंटल। ठीक है, इसके जो ऊपरी और निचले मेंटल के बीच रेपेटी असंबद्धता पाई जाती है। दोनों के बीच क्या पाई जाती है, रेपेटी असंबद्धता। इसके बाद आता है आपका क्रोड। शॉर्ट जानकारी नहीं है, ये बहुत अच्छी जानकारी है। क्रोड जब इसके बाद आता है, तो क्रोड में देखते हैं क्या क्या आता है। पृथ्वी का केंद्रीय भाग 2900 किलोमीटर से 6371, इसका 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक यह पाया जाता है। इसमें लोहा निकिल मिश्रण पाए जाते हैं, यानी ये जो हमने बताया था निफे, ठीक है, तो इसमें क्या क्या समाहित होता है, निकिल और एफी फेरस। ठीक है, इसको दो भागों में बांटा गया है, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। तो दोनों क्रोड हैं इसमें, एक बाह्य क्रोड है और एक दूसरा आंतरिक क्रोड है। उसी तरह इसमें भी दो मेंटल है, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल। इसमें दो परत हैं, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। ठीक है, सबको दो दो भागों में डिवाइड किया गया है। तो अब समस्त पृथ्वी भूपटल के जो तत्व होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो समस्त पृथ्वी एवं भूपटल के जो तत्व हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसमें है ऑक्सीजन, भूपटल में चलते हैं पहले। ऑक्सीजन की मात्रा इसमें कितनी पाई जाती है, 46.8%। ठीक है, O2 ऑक्सीजन हो गया, या इसको आप ऑक्सीजन भी लिख सकते हो। अब आता है सिलिकॉन यानी Si, सिलिकॉन की मात्रा जो पाई जाती है 27.7% पाई जाती है। इसके बाद आती है एल्यूमिनियम Al, इसका सिंबल होता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। एल्यूमिनियम जो हमारी धातु है उसकी प्रतिशतता पाई जाती है 8.1%। फिर आता है लोहा, लोहे को Fe कहते हैं, तो ये आता है हमारा 5.0%। इसके बाद आता है Mg यानी मैग्नीशियम कहते हैं जिसे, इसकी मात्रा होती है हमारी 2.0%। इसके बाद आता है कैल्शियम, कैल्शियम को हम Ca कहते हैं और Ca हमारा होता है 3.6%। ठीक है, ये हमारे भूपटल में पाए जाने वाले तत्व होते हैं। अब आते हैं समस्त पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी में पाए जाने वाले तत्वों को कैसे देखते हैं। तो देखो इसमें Fe सबसे ज्यादा पाया जाता है, Fe पृथ्वी पर, वह कितना, 35%। ठीक है, उसके बाद आता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना पाया जाता है, 30%। और उसके बाद सिलिकॉन यानी Si कितना, 15%। और ये मैग्नीशियम Mg कितना, 13%।
निकेल एन आई आपका पाया जाता है 2.4%, और गंधक, गंधक आपका इसमें पाया जाता है, तो गंधक आपका पाया जाता है 1.9%। यानी कि समस्त पृथ्वी एवं भूपटल के जो तत्व होते हैं उनमें भूपटल और समस्त पृथ्वी दोनों के तत्वों को प्रतिशतता में निकाला गया है यहाँ कि ऑक्सीजन, याद रखिएगा इन्हें, सबसे पहले ऑक्सीजन 46.8 भूपटल पे, जो हमारी ऊपरी परत होती है जिसे हम क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं, उसमें यह हमारी ऑक्सीजन 46.8%, SI सिलिकॉन 27.7%, एल्यूमिनियम 8.1% और लोहा 5%, मैग्नीशियम 2%, कैल्शियम 3.6%, और पूरी पृथ्वी का अगर लगाया जाए तो लोहा 35%, ऑक्सीजन 30%, SI यानी सिलिकॉन 15%, मैग्नीशियम 13%, निकेल 2.4% और गंधक 1.9%। तो ये हमारा पृथ्वी की संरचना को लेकर जो हमारा एक छोटा सा टॉपिक था वह यहाँ ख़त्म होता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में आए बेल आइकन को अवश्य दबाएं। अगले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं महाद्वीप। महा ये आपका नेक्स्ट वीडियो रहेगा, इसमें होंगे आपके महाद्वीप। महाद्वीपों के बारे में आपको एशिया सबसे पहले लिया जाएगा, एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप का आपको वर्णन कराया जाएगा संक्षिप्त, और डिस्कस किया जाएगा कि एशिया महाद्वीप में कितने देश हैं, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, सबसे गहरा गर्त, सबसे ऊंचा पठार, सबसे बड़ी झील, सबसे गर्म स्थान, सबसे ठंडा स्थान, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश, सबसे लंबी नदी, सबसे बड़ा देश, सबसे छोटा देश, सबसे लंबा रेल मार्ग, आदि सभी टॉपिकों को लेकर इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों अगली वीडियो को देखना ना भूलें। धन्यवाद।